दोस्तों मेरे पास आया वो सुजुकी एसएस BS6 जिसको बोला जाता है 6G। ये मीटर के ऊपर लिखा रहा है, FI लिख के आ रहा है, और जो इंजन होता है चेक इंजन उस पर भी आता है, लाइट भी आ रहा है कंटिन्यू। इसको आपको इसे निकालना कैसे, हटाना कैसे है, क्या चीज़ ख़राब है, आप उसको कैसे बहुत ईजी से चेक कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वीडियो मैंने बताया उस तरीका, आपके पास इसका स्कैनर है जैसे मैंने किया उसी तरीके करोगे तो आपकी गाड़ी के जैसे कुछ भी छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों मेरे पास आया हुआ BS6 सुजुकी SS, इसका क्या हो रहा है, FI बता रहा है। FI मतलब आपको दिखा रहा हूँ, पहले इंजन फास्ट हो रहा है, ये देखो इधर FI लिख के आ रहा है और इधर इंडिकेटर से मतलब बता रहा है। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना चाहिए आपको बता रहा हूँ मैं। इंजन देखो इतना फास्ट हो गया, अभी शुरू नहीं हो रहा, ये देखिए अभी इसमें कहीं से वायर भी कट हुआ रहेगा तभी भी प्रॉब्लम से देता है। अभी इसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको आगे से कभी आपको रिसेट करना है, आपको कुछ इसको रिसेट कैसे किया जाता है आपको ये भी वीडियो करने बताऊँगा। पहले मैं चेक कर लेता हूँ वायर कहाँ से ब्रेक है, ये वायर कहाँ से कटा हुआ है, या कोई इतनी चीज़ ख़राब है, आपको इसमें पता चल जाएगा। पहले हम वायरिंग चेक कर लेते हैं। अभी देखिए हमने लगाए हुए हैं इसे स्कैनर, तो यहाँ देखो लाइट अभी आ रहा है, अभी यहाँ भी FI लिख के आ रहा है, इसमें हम चेक करते हैं क्या फॉल्ट है। पर एक बार दबाते हैं और इसको एक बार रिसेट भी देते, रिसेट भी जाता ही नहीं जाता है। अब यहाँ देखो ये फॉल्ट बताता है, अभी इसमें आपको दिखा रहा हूँ वापस एक बार, ये देखिए इसको हम क्लिक किए, यहाँ भी एक ये देखो फॉल्ट बता रहा है। अभी दूसरा वापस एक दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ भी फॉल्ट बता रहा, देख लीजिए। तो यहाँ सब रेडी बता रहा है, मतलब दो फॉल्ट बता रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, रिसेट करके एक बार देखते हैं। अभी देखिए हमने रिसेट कर दिए, अब देखो यहाँ लाइट भी चले गया लाइट। अब इसको हम बंद करते हैं, ये बंद करना पड़ता है चाबी को, फिर चाबी ऑन किए। अब ऑन करने के बाद देखो जो यहाँ FI लिख के आ रहा था, FI भी लिख के नहीं आ रहा है। मैं वापस एक बार आपको लिख के जा रहा हूँ उधर, ये देखिए किसको नहीं मालूम है तो ये बहुत ईजी से हमारे वीडियो से ये चला सकते हो इसके अंदर, देख लीजिए अभी ये फास्ट हो गया। अब यहाँ देख लीजिए ऊपर 00 बता रहा है, अब इसको वापस एक बार दबाते हैं, ये जो ऊपर वाला लिखा है R लिखा हुआ देख लीजिए ऊपर 77 नंबर, तो उस पर आपको दबाना है। अभी देखो इधर फर्स्ट नंबर, अभी देखो यहाँ एरर बताते हैं, मेरे देख लीजिए कंप्लीट बता रहा था, मतलब यहाँ अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सेकंड भी लगा रहा हूँ, सेकंड भी देख लीजिए, ये देख लीजिए पूरा कंप्लीट हो गया। कभी कभी रिसेट करने से भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी इसको हम बैक कर देते हैं वापस, इसी तरीका इसको आप रिसेट कर सकते हो। अब इसको स्टार्ट कर दो, अब ये देखिए हम स्टार्ट कर इसको एक बार देते हैं आपको, अभी स्टार्ट हो गया गाड़ी। अब ये देखिए मीटर देख लीजिए, अभी नॉर्मल हो चुका हुआ है। इसी तरीका आप इसको स्कैन कर सकते हो, स्कैनर यही फ़ायदा होता है। आप अगर समझ लो आपके पास नहीं है, अब वो दूसरे टाइप का करना है तो हमने वो करके नहीं देखे हुए, इसलिए आपको उसको नहीं बता सकता हूँ मैं। जो मैंने लेके किया उसी तरीके बता सकता हूँ। अभी दूसरा एरिया बताने जा रहा हूँ कि दूसरा कैसे कर सकते हो आप, कभी आपकी गाड़ी के इंजन फास्ट हुआ तो उसका तरीका कैसे है। आपको कभी अगर रिसेट करना है, इंजन फास्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, देख लीजिए एक इधर एक इधर, एक मतलब कैसे, एक वायर यहाँ
एक वायर वहाँ, वायर कितना है, तीन है, और ये साइड में देख लीजिए दो वायर है, जो तीन वायर है आप यहाँ करना और यहाँ करना। आप जब ज्वाइन करोगे देखो क्या लिख के आता है, यहाँ लिख के आएंगे मीटर के ऊपर तो समझ लेना बराबर परफेक्ट ज्वाइन है। आप इधर मत करना, नहीं तो आपकी गाड़ी का ACM उड़ भी सकता है। आपको अगर तरीका मालूम है तो वहाँ पर एक बार बता रहा हूँ मैं, एक बार इसको एक बार निकाल दे रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसमें सॉकेट लगा हुआ है, मैं निकालता हूँ वाइट वाला। ये देखिए मैं इसको मैं फिटिंग कर दे रहा हूँ, मैं अभी वायर बताने जा रहा हूँ, देखिए एक दो, अब वायर कहाँ से बैठेंगे आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए ये देखिए, आपको ऐसे वाला जो है लाइन में देख लीजिए, यहाँ आपको करना है एक इधर और एक इधर, आपको दो वायर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ एक वायर यहाँ एक वायर यहाँ लेके आपको जो इंजन जब फास्ट हो रहा है आप उसको कर सकते हो। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से। आप इसमें डोनेट कर सकते हो, हमारे उधर मस्जिद का जो था नंबर उनका ये बार कोड है, आप इसमें पैसा बहुत ईजी से भेज सकते हो।